हाय, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आपको दिलीप सर का आर्ट वर्क देख के? बहुत इंटरेस्टिंग था, एनाटॉमी बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे बेस्ट मुझे लगा उनका कॉमिक आर्ट। ओके, मुझे कॉमिक आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था तो वो बेस्ट पार्ट लगा। ओके ओके। एंड जिस तरह से उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को कॉमिकल वे में ट्विस्ट करा है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि कॉमिक वर्ल्ड में हम क्या काम कर सकते हैं आगे। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर कि बिल्कुल बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, उन्होंने भी यहाँ रह के काम किया है। हाँ। तो वही कि वो हमारे सीनियर हैं तो हम भी उनसे रिलेट कर पाते हैं। हाँ। कि वही जगह है जहाँ वो पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं। सो वो बहुत फॉर्चुनेट है, मतलब एकदम फैंटास्टिक है। आप मैं वैसे तो इलाहाबाद से आया हूँ और चौबे सर का काम मैं हमेशा देखता आया हूँ, लेकिन लाइव देखने का एक जो एक्सपीरियंस है वो अद्भुत है। इससे हमें एक्चुअल जो टोन्स होते हैं, एक्चुअल जो ड्राइंग है, एक्चुअल डायमेंशंस हैं, वो सब देखने को मिलते हैं। तो एक जो हाँ एक्चुअली जो बच्चे हैं जो अभी सीखना चाह रहे हैं, जो एनाटॉमी में जो रियलिस्टिक आर्ट में कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ आके ज़रूर देखनी चाहिए जी। इस तरह के एग्जीबिशन को मिस नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन अभी इसके बाद फिर हमारा शायद इलस्ट्रेशन के भी कुछ डेमो होंगे, है ना? तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं खुद इलस्ट्रेशन करता हूँ एज ए, मुझे मतलब विश थी कि कोई मेरे ऐसा कॉलेज में आए एग्जीबिट करे, मतलब आउटस्टैंडिंग एग्जीबिशन। मैं पर्सनली सर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं मिलना चाहता था। आपको एग्जीबिशन में सबसे बढ़िया क्या लगा? आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा? एक्सपीरियंस सबसे पहले ये रहा कि हम लोग जैसे नॉर्मली स्केचिंग करते हैं तो बेसिकली हम लोग एक लिमिट तक हम लोग सोच पाते हैं। यहाँ पे क्या है कि कितनी चीज़ें एक्सपेंड की गई हैं, मतलब कि एक आर्ट को किस तरीके से इतना एक्सपेंड करके दिखाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक आर्टवर्क लगा हुआ है जिसमें कि छोटे छोटे फिगर्स में भी इतनी डिटेलिंग की गई है कि दूर के फिगर्स भी हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कि आर्टिस्ट लोग आके थोड़ा कंजूसी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब छोटे से छोटे वर्क में भी काफ़ी डिटेलिंग की गई है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया गया है। लास्ट वाला अगर पहला फिगर भी अगर डिटेलिंग में है तो उसका लास्ट वाला तीसवा फिगर भी डिटेलिंग में है। बाकी जो यहाँ पे न्यूड स्टडीज़ की गई हैं उसमें क्या कहते हैं लाइन्स और क्या कहते हैं कलर्स का पूरा जो फ्लो है वो मतलब मेरे को बहुत यूनिक लगा। मतलब कि एक तरीके से इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये मेरे को पहले पता चला। पहले तो हम लोग नॉर्मली कलर उठा के बस डाल देते थे, लेकिन कलर को कैसे यूज़ करना है, कैसे 1 मिनट में 2 मिनट में चीज़ें, मैं तो वही देख रहा था कि पेंटिंग्स और जो ड्राइंग्स लगी हुई हैं उसमें मिनट्स में दिए हुए हैं कि 1 मिनट में हुआ है, 2 मिनट में हुआ है, 3 मिनट में हुआ है। तो वो चीज़ें कि कैसे 1 मिनट में भी बन सकता है चीज़ें, और हम लोग सोचते हैं कि यार 1 घंटा लगा के बनाते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा यहाँ पर लगता है कि यार 1 मिनट में चीज़ें हो सकती हैं। तो वो प्रैक्टिस के ऊपर है कि कितना हम लोग सीख रहे हैं, कितना जानना, काफ़ी नया चीज़ जानने को मिला कि ऐसा चीज़ें हो सकती है। दिलीप सर का मेरे को एग्जीबिशन बहुत अच्छा लगा, उनका स्केचिंग, उनके बोलने का वे और बहुत कुछ समझ। पहला तो है कि उनका जो एनाटॉमी है और काम करने का जो लाइन में जो रिदम है, यूनिटी है पूरा कॉम्पोजिशन में, वो काम सबसे अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उनके काम में। फिर उनका जो एक एक्सप्रेशन है फिगर में, जो एक्सप्रेसिंग एक मूवमेंट दिखाया गया है चारों में कलर के थ्रू, लाइन तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाले हैं। और मैं कहीं ना कहीं मैं इस तरह का काम बहुत साल बाद देख रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं इस तरह का काम जो है वो कलकत्ता में ही जो एग्जीबिशन होते थे वहाँ देखता था, और कहीं ना कहीं आज मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे काम है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि हमको भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि दिलीप सर ने इतने ज़्यादा काम किए, वो 20 साल बाहर रह चुके हैं, सिंगापुर में एक बड़े यूनिवर्सिटी में काम करा चुके हैं। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि हमको और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि और इस तरह के एग्जीबिशन और ज़्यादा हमारे फैकल्टी में होने चाहिए और बच्चे और ज़्यादा सीखनेंगे इससे। सर एग्जीबिशन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब नज़र नहीं हट रही है, मतलब इतना अच्छा फ्लो देख के मेरे को मोटिवेशन हो रहा है कि मेरे को भी ऐसा करना चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात मेरे को सर का ये लगा कि सर ने बोला कि यहाँ 4 साल बाद बच्चे डिग्री लेने के बाद सोचते कि मैं टीचर बन जाऊँगा, तो लेकिन मेरे को यहाँ पे ये सीखने को मिला कि 4 साल का एक्सपीरियंस से कोई दूसरे को एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है, कैसे बच्चों को पढ़ा सकता है। तो वो स्टूडेंट होते हैं जो किसी एक एक्सपीरियंस्ड इंसान को टीचर का डिग्री, मतलब कि एक औहदा देते हैं कि आप टीचर हो हमारे, क्योंकि आप हमें एक्सपीरियंस से हमें सिखा रहे हो। एंड अब मेरे को ये है कि मेरे को भी अपने फील्ड में जाना है और ये इलस्ट्रेशन मेरे को काम अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इस वर्कशॉप में आई। फॉर मी आई कैन से आई एम रियली एक्साइटेड, और मैंने सारी ड्राॅइंग्स देखी और मैं जहाँ तक मैं पहले से जानता हूँ दिलीप सर को, काफ़ी पहले से उनके वर्क को, तो काफ़ी मेरे लिए खुशी का वो है कि वो आज आए और आज उनका, और मैं उनसे मिलना भी चाहता था। मैंने प्लान बनाया था कि मैं लखनऊ जाके मिलूँगा, पर सौभाग्य से वो खुद आ गए मेरी फैकल्टी, तो इससे बड़ी क्या बात। सार अमेजिंग, और मेरे पास वर्ड्स नहीं है डिफ़ाइन करने के लिए, मैं ट्रूली बोलूँ तो, और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी कुछ सीखने को भी है। और दिलीप जी का काम तो मैं बचपन से देखते हैं रात कमिक्स में, तो फाइनली सामने हैंडवर्क मतलब सम ऑफ द एक्सपीरियंस लाइक ये हाथ से चीज़ें की गई हैं, द शेड्स एंड द मॉडल्स एंड द वुमेन फिगर्स विच इज़ लाइक समवेयर इट्स लाइक अ जिम्नास्टिक वर्क बॉडी फिगर ऑफ वुमेंस। तो ये सारे वर्क्स बहुत सारे अमेजिंग हैं एंड ऑब्वियसली द गेमिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बहुत सारे बहुत अच्छे हैं। कैरेक्टर डिज़ाइंस आर obviously they are doing our work as an designer of a cartoonic or the in somewhere comic books and in somewhere in gaming platforms, so character designs are really awesome। abhi tak to mujhe sirf as an alumni and a designer mujhe pata tha, but as an person main unse kal mili hu, maine kal interact kiya hai, to as an person he is a very good one। aur bahut acha laga unko jaan karke ki kis tarike se wo is choti si jagah se utne high level ke platform pe jana aur as a work karna itna लंबे समय में, और अब मार्केट में भी उतरना ये बहुत बड़ी बात होती है एज एन डिज़ाइनर। ठीक है कि आप मार्केट को भी किस अकॉर्डिंग प्ले कर रहे हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी मुझे जो सर के बारे में जान करके अच्छा लगा।